हया मुर्तसिम से कहती है कि ऐसा क्या हो गया था कि वो तुम्हें ऐसे छोड़ के चली गई। उसने तो तुम्हें बिल्कुल भी अजनबी बना दिया है, तुम्हें इन बातों का बिल्कुल भी एहसास नहीं और तुमने दिन रात एक किया हुआ है उसको ढूंढने में। आगे से आप देखेंगे कि मुर्तसिम हया को कहता है कि तुम जिस प्लानिंग के तहत ये सारा कुछ कर रही हो ये अपने जहन से निकाल दो, क्योंकि मैं मर के भी ऐसा नहीं होने दूँगा। मैं किसी सूरत में तुमसे शादी नहीं करूँगा, चाहे मीरा मिले या ना मिले। इस पर हया बहुत ज़्यादा अफसरदा होती है और दिल में अहद कर लेती है कि मैं माँ बेगम को इस कदर खिलाफ कर दूंगी मीरब के कि वो ख़ुद तुम्हें इस बात के लिए राज़ी कर लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि मुर्तसिम जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लग जाता है, उसकी परेशानी का कोई भी आलम नहीं है। आप देखेंगे कि वो जो है उसकी माँ वो उसको आकर कहती है कि मुझसे तुम्हारी ये परेशानी नहीं देखी जा रही है, तुम क्यों अपने इर्द गिर्द नज़र नहीं मार रहे हो, वो देखो कैसे तुम्हें छोड़ के चली गई। लेकिन हया अभी भी तुम्हारे पास है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, और उससे ज़्यादा फिक्र तुम्हारी कोई नहीं कर सकता, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी सारे मसले हल हो सकते हैं। आगे से आप देखेंगे कि मुर्तसिम कहता है अपनी माँ से कि आप जो सोच रही हैं ऐसा तो हरगिज़ नहीं हो सकता, ये बात मैंने हया से भी कह दी है, मुझे पता है कि हया ने ही आपके दिमाग में ये सारी बातें डाली हैं।